आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिया हो कि इंटरनेट को कैसे स्पीड किया जा सकता है, और हमने भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं सेटिंग के बारे में कि ये सेटिंग आप कर लो, वो सेटिंग आप कर लो, ताकि आपके इंटरनेट काफी ज्यादा स्पीड हो जाए। लेकिन आपका इंटरनेट जो है ना, फिर भी आपको स्पीड नहीं मिला होगा और आप इससे बहुत ज्यादा अभी भी परेशान रहते हैं। यदि दोस्तों अपने मोबाइल के इंटरनेट से अभी भी परेशान है ना, तो आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सही तरीका, सेटिंग बताऊंगा, यदि आप ये सेटिंग आप कर लेते ना, आपका इंटरनेट जो है ना बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों यदि जानना चाहते कि वो सही सेटिंग कौन सी है तो वीडियो को देखते रहे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। दोस्तों देख सकते रहे मेरा मोबाइल फोन, और चलिए मैं आपको बता देता कि वो सही सेटिंग कौन सी है जिससे कि आपके मोबाइल के इंटरनेट जो है ना रॉकेट से भी ज्यादा तेज चलने लगेगा, और ये सेटिंग जो है ना आपको कोई भी आज तक नहीं बताया होगा। यदि दोस्तों जानना चाहते ना, तो सबसे पहले इस वीडियो को ना लाइक कीजिएगा। दोस्तों जितने भी लोग देख रहे ना लाइक कीजिएगा, तभी देख रहे ना सभी को लाइक करना काफी जरूरी है इस वीडियो पे, और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब पे, बैल को दबा दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें और कॉमेंट में लिखिए रॉकेट स्पीड। जी हाँ, तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा। दोस्तों जो भी सेटिंग बताने वाला सभी ऑपरेटर जो सिम यूज करते ना सभी के अंदर काम करने वाला है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऊपर में, और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे ना मोबाइल नेटवर्क, इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ, दोस्तों यदि आप कोई भी सिम यूज करते हैं ना, जैसे कि एयरटेल वोडाफोन, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला काम क्या करना होगा, LTE और यहाँ पे 3G और 2G यहाँ पे नजर आता होगा, तो आपको यहाँ पे आपको जो है ना ऊपर में क्लिक करना होगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि यदि आप 4G की जगह रहेंगे तो 4G कनेक्ट होगा, यदि आप 3G की जगह रहेंगे तो 3G कनेक्ट होगा, यदि आप 2G नेटवर्क पे चले जाएंगे तो 2G नेटवर्क चले जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपके मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क है ना, नेट है ना, वो कभी बंद नहीं होगा। तो ये सेटिंग जरूर यूज कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एक्सेस पॉइंट नेम में जाना होगा। जी हाँ, तो जैसे एक्सेस पॉइंट नेम में जाने के बाद यदि आप यहाँ पे कोई भी सिम यूज करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कंपनी का होता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना एक खुफिया सेटिंग होती है जो आपको चेंज करना होगा। तो आपको नीचे जाना होगा, आपको ठीक है एक्सेस पॉइंट में को क्लिक करना होगा, नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद ये देख रहे APVN प्रोटोकॉल यहाँ पे नज़र आता हो, इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे नीचे में सिलेक्ट करके रखा हूँ IPv4 IPv6, तो आपके फ़ोन के अंदर 4 या 6 आपको क्लिक होगा तो आपको नीचे में करना होगा। इससे क्या होगा कि जो भी सर्वर होगा ना, जैसे कि कोई हर कंपनी का अलग अलग अटैचमेंट होता है कि आप ये जगह पर गए तो ये कंपनी का नेट कनेक्ट हो गया, यदि आप दूसरी जगह गए तो दूसरी कंपनी का कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको दोनों को सही करना होगा। जैसे करने के बाद आपको बैरियर में जाना होगा। जैसे जाने के बाद दोस्तों आपके फोन में LTE होगा, ठीक है, तो आपको LTE को हटा देना होगा। यदि आप यहां पे क्या करना होगा, सभी को यहां पे आपको सिलेक्ट करना होगा, कुछ इस तरह से फटाफट आपको सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट जैसे करेंगे ना सभी को एक बाय एक, तो ये क्या होगा कि जो भी आप जहां भी जाएंगे ना, तो वो जो भी नेटवर्क LTE लेगा LTE सिलेक्ट होगा, GPS लेगा GPS होगा, ई का सिग्नल होगा ई का सिग्नल होगा, सभी को आपको ऑन कर देना होगा, यहां पे क्लिक कर देना होगा। जहां पे भी जाएंगे ना, उस एरिया में जाएंगे ना, तो जो भी नेट अवेलेबल होगा तो वो नेट आपका कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद सिंपल क्या करना होगा, 3 डॉट में जाए और यहां पे सेव कर दें। जैसे सेव करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने फोन को 1 मिनट के लिए ऑफ कर देना होगा, स्विच ऑफ। उसके बाद आप अपना मोबाइल के ऑन करके इंटरनेट को यूज कीजिएगा, सच में आपके मोबाइल के इंटरनेट जो है ना काफी ज्यादा स्पीड चलने लगेगा। जी हाँ, तो ये सेटिंग जरूर ऑन कीजिएगा जो आपको कोई भी नहीं बताया होगा। तो दोस्तों बस ये था आप सभी को बताना था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले। तब तक लिए ध्यान दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।